जेरूसलम को ट्रंप ने जो राजधानी बतलाया इसराइल, अव्वल तो हम इसराइल को देश ही नहीं मानते, इट्स ए इनलीगल, एब्सोल्यूट इनलीगल कंट्री। तो जब किसी देश का ही वजूद नहीं है तो उसकी राजधानी आप इस्लामाबाद बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और ट्रंप के कहने से सूरज चांद तो निकलेंगे नहीं, और जिस तरीके से उनका ये बयान आया है वो बहुत से लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करता है, और कहते हैं बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से ट्रंप को इससे लाखों करोड़ लोगों की यकीनन बद्दुआ मिलेगी। मैं शांति की बात करता हूँ, मैं वैश्विक शांति की बात करता हूँ, मैं इंटरनेशनल पीस की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ एटॉमिक फ्री वर्ल्ड की बात करता हूँ। और ऐसे माहौल में इस तरह का विश्व में किया गया कोई भी कार्य किसी भी बड़े देश के द्वारा बड़े देश के लिए या बड़े देश के द्वारा छोटे देश के लिए विश्व में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करता है, आम लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न करता है, और लोगों का उस पर्टिकुलर जो कंट्री है उससे उनका विश्वास जो है वो डगमगाता है, और लोगों की भावनाएं हैं वो आहत होती हैं इस तरह के वक्तव्य से। उनका एक इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा किरदार है, किरदार ट्रंप का नहीं है, किरदार अमेरिका के राष्ट्रपति का है। वो एक इतनी बड़ी कंट्री के कंट्री लीडर हैं, और इस तरीके का जो कार्य है वो मतलब निंदनीय है, और उसके पीछे जो भी उनका राजनीतिक मकसद है। मजे की बात तो यह है कि अमेरिका की राजनीति रशिया कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की राजनीति रशिया कर रहा है। देखिए अरब देशों के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन, अभी मैंने कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने वहाबियों के लिए संदेश जारी किया कि वो कायदे से रहें, उन्होंने जो भी इस्लाम का नाम लेके गलत काम कर रहे हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश करी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैश्विक शांति की तरफ उनकी पहल है। अब उन्होंने खुफिया दौरा किया, इसकी तो कोई जानकारी जो है वो आप लोगों के पास बेहतर हो सकती है, पर मेरा मानना ये है कि आसमानी किताबों में ये लिखा है, आपके यहाँ कुरान में लिखा है, हदीस में ये लिखा है कि मुसलमानों का ज्यूस के साथ संबंध हो ही नहीं सकता, वो प्रकृति के खिलाफ है। अगर अरब देश किसी भी तरीके से अगर इसराइल के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो जैसा कि आसमानी किताब, मैं नहीं कह रहा हूं ये आसमानी किताबों में आपके यहां लिखा है कि वो नेचुरल नहीं है, और जो भी चीज प्रकृति के खिलाफ है वो किसी ना किसी तरीके से एक विस्फोटक स्थिति की तरफ अपने आप चलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब चाहे वो अमेरिका का नाम लेके हो या सऊदी अरब का नाम लेके हो, अगर ज्यूस और इस्लामिक कंट्री एक हो ही नहीं सकते, अगर ऐसा है तो अंत में फाइनली झगड़ा है, वो चाहे कोरिया बम दागे या अमेरिका उसके ऊपर चढ़ाई करे या सब लोग आपस में लड़ मरे, नेचर के खिलाफ जाएगा तो ऐसा ही होगा और निश्चित होगा। हम इसकी निंदा करते हैं, अरब देशों को एकजुट हो जाना चाहिए, मुस्लिम कंट्रीज को एक होकर इसका विरोध करना चाहिए। अपने आप को बचाइए ना, आप अपने आप को बचाइए। विश्व की 1/5 आबादी जो मुस्लिम है, और वो उसको आप इस्लाम बढ़ाने की बात करते हैं ना, तो इस्लाम बढ़ाइए। इस तरीके से तो आप इस्लाम कम कर रहे हैं, आप आसमानी किताब के खिलाफ जा रहे हैं, आप खिलाफ जा रहे हैं तो आप खत्म हो जाएंगे।